वृंदावन आओ, कहीं और जाओ या ना जाओ, इन तीन स्थानों पे अवश्य जाना। वैसे पूरा ब्रजमंडल महत्वपूर्ण है, पर ये तीन स्थान आपने कभी नहीं मिस करने। सबसे पहले राधारानी ने मांगी थी, जी तो एक और वीडियो की हुई शुरुआत फिलहाल है वृंदावन में, और नीचे प्रेम मंदिर हमने क्रॉस किया। जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे एक छड़ी बस का प्रोग्राम है, वो इसलिए आना पड़ा। और मैंने कहा कि यार 1 तारीख को दर्शन भी कर लेंगे, इस बस से आना पड़ा। तो अभी जहाँ जा रहे हैं फिलहाल वहाँ पे प्रोग्राम 31 नाइट का, 31 नाइट का कीर्तन है, और वो एक्चुअली पूरी तरह सेलिब्रेशन ही है वो न्यू ईयर का। तो हमने कहा इस बार का न्यू ईयर होना चाहिए वृंदावन में। प्रोग्राम है अपना 6:30-7 बजे का, और अभी मैं थोड़ी देर पहले निकल गया हूँ क्योंकि वहाँ पर और भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो चलो भैया के साथ में निकल गया। मैंने कहा कि बाहर ही मिल गए मेरे को एक इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले भैया, मैंने कहा इनको ये उधर ही जा रहे थे तो हमें छोड़ दो यार। ये लगा हुआ है सामने देखो, कीर्तन का पूरा बोर्ड लगा हुआ है। हम फाइनली पहुंच गए हरिकृष्ण मार्केट, और अभी हो रही है ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है शाम को ना, शाम सुबह वाली शाम की ठंड है अच्छी खासी वृंदावन में। और देखो फिलहाल इस तरह से इंतजाम है, देखो ये इस तरह का बैंकेट है ऑर्किड, ग्रैंड और ग्रैंड एंट्री है भाई यहाँ पे। इस तरह से स्वागत है भाई देखो सबका, इस तरह से कारपेट बिछे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अभी एक्चुअली थोड़ा जल्दी आने का मेरा मोटिव ये था कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, और मतलब समझ रहे हो आप, बाकी तो कि मैं टाइम से आ गया क्योंकि यार अब ऑलरेडी वृंदावन आ चुके तो क्या करना है, मंदिर तो अभी जाना नहीं था किसी। तो हमने कहा इशारा, मेरा था प्लान इस्कॉन जाने का, बट मैंने कहा कि यार तो टाइम लग जाएगा क्योंकि वहाँ पे ना जाओ तो पूरा मन लग जाता है, फिर 2-2.5 घंटे से पहले उठता नहीं आदमी। चलो यहाँ से फिलहाल एंट्री दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इस तरह से, यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है और हम आ गए हैं मेन एंट्री पे। वो एक्चुअली स्टार्टिंग गेट था, ये मेन एंट्री जो हॉल में एंट्री होगी, देखो हॉल की एंट्री यहाँ पे होगी। शूज़ वगैरह आपको यहाँ जमा कराने हैं, किचन इधर बनी हुई है क्योंकि सारी व्यवस्था है सारी। और ये देखो ये हॉल बहुत ही बढ़िया, इस तरह सेटिंग बना हुआ देखो, नीचे बैठने का सोफे वोफे भी है, सामने अपना स्टेज है मेन, और इस तरह से बाकी के कूप लगे। चलो फिलहाल अभी थोड़ा देर इंतजार करते हैं, उसके बाद शूज़ वगैरह उतार यहीं पर बैठेंगे। वापस से चहल पहल हो गई, देखो एंट्री पे जो एंट्री हमने पहले दिखाई थी ना, वापस से चहल पहल हो गई। और यहाँ पे बना हुआ है काउंटर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखो ब्लू और इस तरह का ब्लू बैंड और इस तरह का पिंक बैंड, मतलब माता जी के लिए और प्रभु के लिए इस तरह से ब्लू बैंड। और यहाँ से इसको पहनने के बाद आप सामने एंट्री करोगे, और एंट्री होने वाली है 7 बजे, अभी 6:30 बजे। देखो इस तरह की व्यवस्था है, हम सारे लोग बैठ गए और यहाँ पे लोग आराम से भाई सुकून से बैठे हुए हैं। और अभी देखो तैयारी चल रही है, सामने ये वाला जो बैंड है ना, बैंड क्या वो भी सही, अभी करने वाला कीर्तन धमाकेदार, और ये अफ्रीकन बैंड है। तो अभी जो भी होगा जो भी मैं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है। राधे श्याम राधे श्याम, मिठाई का मुठ्ठी मार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। क्या बात है, क्या बात है, हरे बहुत बढ़िया। तारी छो तारी छो
ये मैं नहीं कह रहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती दास ठाकुर जी कह रहे हैं। तो एक तो है वृंदावन में रहने वाले जो हमारे ब्रजवासी हैं, और स्पेशली लिखा है ए पर्सन हु विजिट्स वृंदावन धाम, जो वृंदावन को सिर्फ दर्शन के लिए जाते जैसे हम सब आए हैं, वो साधारण श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, जो सिर्फ एक बार वृंदावन जाता है, ए पर्सन हु गोस टू वृंदावन ओनली वंस, उसको कभी यमराज के द्वार के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। तो जब वृंदावन आओ, कहीं और जाओ या ना जाओ, इन तीन स्थानों पे अवश्य जाना। वैसे पूरा ब्रजमंडल महत्वपूर्ण है, पर ये तीन स्थान आपने कभी नहीं मिस करने। सबसे पहले राजरानी ने मांगी थी यमुना महारानी, बोलो यमुना महारानी की। सेकंड बोलो गिरिराज धरण की। और तीसरा ब्रज रज, द डस्ट ऑफ वृंदावन। यहाँ की जो रज है वो दिव्य है, उसको मिट्टी या माटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ये ऐसी माटी है जो स्वयं शंभु नारद आदि 33 करोड़ देवी देवताओं के अपने मस्तक पे धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि इस रज में कण कण में श्री जी का निवास है, श्री जी चले हैं इस रज में, इसलिए हमारे ठाकुर जी वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत का मतलब पता है? कौन बताएगा वशीभूत का मतलब? हिप्नोटाइज, राइट? क्यों होते हैं? क्योंकि इस रज में जिसमें आप बैठे हो हमारे श्री जी चली हैं। तो मैं अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, सभी जहां जहां बैठे हैं अपने घुटने पे होकर श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करें। मैं भी करूं, बोल श्री वृंदावन धाम की जी। आप भी रेडी? ये थोड़ा और बोलना पड़ेगा क्विकली। देखो इस तरह की व्यवस्था हो गई है खाने की, चालू ट्रेन है उधर भी और इधर भी, ऐसे काफी ज्यादा रश हो गया। Thank you.
चलो जी प्रोग्राम वाइंड अप हो गया फाइनली, 1:05 हो गए और अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है, मतलब पूरा गिरना चालू हो गया। फाइनली बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। तो आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये साल आपका हमेशा की तरह ये साल भी बहुत अच्छा जाए आपका, और उम्मीद है कि हमारा ये वाला तरीका आपको अच्छा लगा होगा नया साल सेलिब्रेट करने का। तो इस बार की हमारे हम सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में थे और नया साल हमने वृंदावन में शुरुआत करी अपनी। चलो फ्री वाले वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके थॉट्स बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में से एक सौ मन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।